असलम ये हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट वन पी एस वाई थ्री वन टू डर नॉलेज की तरफ से आ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन थ्री चैप्टर फोर जो कि है सेंसेशन और लेसन थ्री में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑडिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ईयर तो आ, एयर हाउ डज इट वर्क और इसके अंदर जो एयर की थ्री टाइप्स हैं आउटर एयर मिडल एयर और इनर एयर हम इसको डिस्कस करेंगे हम एयर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि एयर जो है उसके उसका स्ट्रक्चर किस तरह टाइप का है और हर एक एक स्ट्रक्चर का जो है वो क्या एक स्पेसिफिक जो है फंक्शन है आउटर एयर में कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इंक्लूडेड है मिडल एयर में कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड है और इनर एयर में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड है और इसके बाद फिर स्टार्ट होगा चैप्टर फाइव जो कि है परसेप्शन के ऊपर तो आई डिस होल चैप्टर फोर सेंसेशन ताकि उसकी कम्पलीट एक प्ले लिस्ट आपके लिए uh, प्ले लिस्ट सेक्शन में मौजूद हो तो दिस वीडियो इज अबाउट सेंसेशन इसमें हम कंप्लीट जो है वो लेसन uh, थ्री को कंप्लीट कर लेंगे और आज इस वीडियो में आपका चैप्टर फोर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगली वीडियो जो अपलोड होगी वो uh, चैप्टर फाइव होगा जो कि परसेप्शन पे होगा तो स्टार्ट करते हैं uh, आज की वीडियो द एयर हाउ डज इट वर्क एयर क्या चीज है जाहिर है कि आप अपनी uh, लैंग्वेज में इसको कान ही कहेंगे लेकिन हाउ डज़ इट वर्क काम किस तरह करता है आप कोई भी चीज़ सुनते हैं तो वो जो आवाज़ आपके कानों में जाती है और फिर आप उसको समझ पाते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो किस तरह परफॉर्म होता है और किन किन रास्तों से जो है वो गुजरता है और कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो एयर के जिस तरह मैंने कहा कि थ्री पार्ट्स हैं, एयर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक है आउटर एयर एक है मिडल एयर और एक है इनर एयर जिस तरह आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एयर की किस तरह डिवीजन लोगों ने की है आउटर एयर की डिवीजन किस तरह की है मिडल एयर की किस तरह की है और इनर एयर की किस तरह है हम स्टार्ट करेंगे आउटर एयर से एयर की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं ये डेफिनेशन जो मैंने इंक्लूड किए है हॉकनबरी एंड हॉकनबरी साइकोलॉजी बाय हॉकनबरी एंड हॉकनबरी सेकंड एडिशन अकॉर्डिंग टू दैट बुक इस एयर की या आउटर एयर की जो डेफिनेशन वो है द पार्ट ऑफ द एयर दैट कलेक्ट साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ द फिन्ना द एयर कैनल एंड द एयर ड्रम यानी कि एयर का वो वाला पार्ट जो साउंड वेव कलेक्ट करता है अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस uh, है यहाँ पर यहाँ पर आपको एयर ये जो आउटर एयर है इसकी फंक्शनिंग का पता चल गया कि आउटर एयर का काम क्या होता है फिर जो ये सेकंड सेंटेंस है इसमें इसके स्ट्रक्चर का पता चलेगा और इसके जो बाकी इसके पार्ट्स है उसका पता चलेगा कि इट कंसिस्ट ऑफ पिना एयर केनाल और एयर ड्रम आउटर एयर में क्या इंक्लूडेड है पिन्ना है एयर केनाल है और एयर ड्रम है अब बाकी बुक्स में आपको पढ़ने में ये मिलेगा कि एयर ड्रम जो है वो मिडल एयर का पार्ट है और कुछ बुक्स में आपको रीड करने में मिलेगा कि एयर ड्रम जो है वो आउटर एयर का पार्ट है अब जो साइकोलॉजी बाय हॉकनबरी एंड हॉकनबरी सेकेंड एडिशन वाली बुक अगर आप उसमें ये डेफिनेशन चेक करेंगे डेफिनेशन मैंने वहीं से दिए तो उसमें एयर ड्रम जो है वो आउटर एयर का पार्ट है और जो बाकी बुक्स में मैंने चेक किया तो उसमें एयर ड्रम को मिडल एयर का पार्ट कहा गया था अब ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की गई है इसलिए क्योंकि एयर ड्रम जो है वो आउटर एयर और मिडिल एयर की बिल्कुल बाउंड्री पे लाई की करती है तो इसलिए इसको कभी आउटर एयर का पार्ट कंसिडर किया जाता है कभी मिडिल एयर का पार्ट कंसिडर किया जाता है लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो या तो फिर आप अपने जो टीचर्स के जो नोट्स है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे कि वो आउटर एयर के पार्ट में इसको कंसिडर करती है या मिडल एयर के या तो फिर आप इसको मिडल एयर के पार्ट में ही इसको कंसिडर कर ले क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं टू द पॉइंट होना चाहते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बाई हकनबरी एंड हकनबरी सेकेंड एडिशन एयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ द आउटर एयर तो एयर ड्रम सॉरी आउटर एयर में पिन्ना होता है एयर के होता है और एयर ड्रम होता है पिन्ना क्या चीज है पिन्ना आपके जो कान का जो एक्सटर्नल पार्ट है जिसका आप पिक्चर में भी देख सकते हैं जिसको हम कान कहते हैं जिसको हम एयर कहते हैं ई ए आर जिसको हम ईयर कहते हैं इसको पिन्ना कहते हैं जो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एयर की बात करें तो फिर इस पार्ट को हम पिन्ना कहते हैं ये एक ओंडली शेप्ड फ्लैप है स्किन की और कार्टिलेज की यानी कि यहाँ पर जो बोन है दैट इज कार्टिलेज और स्किन है कार्टिलेज है और कुछ ओडली शेप्ड है यानी कि कुछ टेढ़ा-मेढ़ा सा शेप है इसका अम अटैच टू द ईच साइड ऑफ योर हेड आपके हेड के दोनों साइड्स पे अटैच होते हैं एंड इसका काम क्या होता है बेसिकली uh, इसका काम ये है कि जो आवाज़ आप सुनते हैं जो साउंड आप सुनते हैं तो उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प करती है पिन्ना। यानी कि आवाज कहाँ से आ रही है उसकी लोकेशन किस साइड पे है तो इस चीज में पिन्ना जो है वो हमारी हेल्प करती है इसका प्राइमरी रोल क्या होता है कि साउंड वेव्स को कैच करती है और उसको एयर uh, कैनाल में वेव्स एंड फनल देम इनटू द एयर कैनाल अब एयर ड्रम का क्या काम है जिस तरह पिन्ना जो है उसने साउंड वेव जो है वो सारा कलेक्ट कर लिया उसको एयर कैनाल में फनल कर दिया या वो एयर कैनाल में जो है वो साउंड वेव अब इंटर हो गई है जब इंटर हो गई तो सामने जो दूसरा स्टॉप आता है वो है एयर ड्रम अब साउंड वेव जो है वो एयर कैनाल के, के जरिए ट्रेवल करती है और एयर ड्रम को जो है हिट करती है एयर ड्रम एयर ड्रम एक टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन है एयर ड्रम इसको इसीलिए कहा जाता है अगर आप किसी एक ड्रम को देखें तो उसके ऊपर जो शीट लगाई होती है वो टाइटली स्ट्रेच्ड होती है बहुत टाइट करके उसको स्ट्रेच करके लगाई होती है इसी तरह इन लोगों ने उसके साथ इसको कंपेयर किया है कि एयर ड्रम जो है वो एक टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ये एक थिन मेम्ब्रेन है पतली सी होती है जिसके ज़रिए साउंड वेव जो है वो कॉज होती है और किस तरह काज होती है कि ये थिन मेम्ब्रेन जो है जब एक साउंड इसको हिट करती है या साउंड वेव जब ट्रेवल करती है और बाउंस करती है एयर ड्रम पे तो एयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं

लेकिन एयर ड्रम जो है वो आउटर एयर और मिडल एयर को डिवाइड करता है और बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे लाई करते हैं। वेव हिट द एयर ड्रम साउंड जब हेयर ड्रम को हिट करती है तो क्या होता है कि वो वाइब्रेट करना शुरू कर जाती है एयर ड्रम मैचिंग वाइब्रेशन ऑफ द साउंड इंटरनल एंड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी Uh, जो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है एयर ड्रम की तो क्या होता है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है ये इसकी आ, इसकी मैच होती है और जिस तरह टाइप की साउंड है वो आपकी एयर कैनाल में मूव हुई है और एयर ड्रम को हिट करी है उसी टाइप के साउंड के अकॉर्डिंग जो है वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है आउटर ईयर का हमने जो है वो सारा देख लिया कि जो साउंड वेव है वो किस तरह ट्रेवल कर रही थी आउटर ईयर से किस तरह वो पिन्ना या एयर फ्लैप से ट्रेवल करते एयर कैनाल तक आई और एयर ड्रम को उसने हिट किया अब जब एयर ड्रम को उसने हिट किया तो वहीं से आपका मिडल ईयर का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है मिडल ईयर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सी डेफिनेशन इंक्लूड की है the part of the ear that amplifies sound waves consists of three small bones the hammer anvil and the stirrup आपके एयर का वो पार्ट है जो कि साउंड को एम्पलीफाई करता है और इसमें थ्री स्मॉल बोन्स हैं एक है, है हैमर एक एनविल और एक स्टिरप जो आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं और इसको हैमर एनविल और स्टिरप इसके स्ट्रक्चर की वजह से ही कहा गया है अगर आप हैमर और स्टरप की पिक्चर भी देखें तो वो बिल्कुल उनकी रिजम्बलेंस इस बोन्स के साथ होती है इसलिए जो है इसका नाम यूँ रखा गया है अब जिस तरह एयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देती है तो वाइब्रेशन जो है वो मिडल एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है अब ए, जो मिडल एयर है इसमें थ्री बोन्स होती हैं स्मॉल बोन्स हैं थ्री स्मॉल बोन्स हैमर एनवल स्टेरप हैमर को मिलियस भी कहते हैं एनवल को इनकस कहते हैं स्टेरप को स्टेप्स कहते हैं लेटिन वर्ड्स और आ, इसके स्ट्रक्चर की रिजेंबलेंस की वजह से इसको ये नाम दिए गए हैं अगर आप हैमर एनल्ट की पिक्चर अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करें और नॉर्मली अगर आपने देखी भी हो तो आपको अंदाजा होगा कि उसी तरह जो हैं थ्री स्मॉल बोन्स जो हैं जो मिडल एयर के तो इसके साथ उसके स्ट्रक्चर जो हैं वो बेच कर रहे हैं अब ये जो थ्री बोन्स है द जॉइंट एक्शन ऑफ दीज बोन्स ऑलमोस्ट डबल द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द साउंड साउंड की जो एम्प्लीफिकेशन है उसके फंक्शन को उसके एक्शन को डबल कर लेती है ये तीन बोन और द इनर मोस्ट बोन जो सबसे इनर मोस्ट बोन है जो स्टिरप है ये क्या करती है ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो अब हैमर एनवल स्टिरप यहाँ पर तो अब साउंड की एम्प्लीफिकेशन हो रही है लेकिन जो लास्ट बोन है स्टिरप जब हम जिसे कहते हैं एस टी आई डबल आर यू पी स्टिरप स्टेप्स भी कहते हैं -E अब ये क्या करिए कि यहां से वाइब्रेशन ओवल विंडो तक जा रही है ओवल विंडो को राउंड विंडो भी कहा जाता है इन सम बुक्स और कुछ बुक्स में इसको ओवल विंडो भी कहा जाता है और अगेन स्ट्रक्चर्स की वजह से ही इनको ये नाम दिए गए हैं अब ये जो तीन बोन्स हैं अगर इसमें स्लाइट डैमेज आ जाए और अब ब्रिटल टू तो दीज बोन्स में कॉज कंडक्शन डेफनेस जो नॉर्मली एज के साथ भी हो जाता है ये मसला और फिर कंडक्शन डेफनेस जो है ये फिर आ, इसको ट्रीट करने के लिए हेरिंग एड्स लगाए जाते हैं जो कानों में अक्सर थोड़े से जिनको हेरिंग प्रॉब्लम होती है उन्होंने जो कानों में लगाया होते हैं तो वो हेरिंग एड्स लगाते हैं फिर मिडल एयर का सफ़र जो है वो कंप्लीट हो गया अब इसके बाद इनर ईयर का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया मतलब किस तरह जो है वो ईयर जो साउंड वेव है वो पिन्ना से पिन्ना ने उसको कलेक्ट किया और उसके बाद ईयर के नाल में इंटर हुआ और उसके बाद फिर एयर ड्रम को उसने हिट किया और उसके बाद वो जो थ्री बोन्स थे हैमर एंड वोलोस्टेरा फिर उन तीनों ने क्या किया कि मिडल ईयर का क्या का काम था कि साउंड को एम्प्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर उन तीन बोन्स ने साउंड को एम्पलीफाई किया और फिर स्टीरप ने उसको ओवल विंडो में ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद फिर इनर एयर स्टार्ट हो जाते हैं इनर एयर वाला पार्ट मैंने इनर ईयर की एक डेफिनेशन इंक्लूड की है द पार्ट ऑफ द ईयर वेयर साउंड इज ट्रांसड्यूस्ड इन टू न्यूरल इम्पल्स कंसिस्ट ऑफ द कोकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये ईयर का वो पार्ट है जहां पर साउंड ट्रांसड्यूस्ड होती है न्यूरल इम्पल्स में न्यूरोस पे मैंने अच्छी खासी डिटेल्ड वीडियो बनाई है और उसकी मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना ली है न्यूरो पे प्लेलिस्ट सेक्शन में मौजूद होगी अगर आपको वो प्लेलिस्ट चाहिए अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट प्लेलिस्ट या तो फिर आप खुद भी जाके वहाँ से सर्च कर सकते हैं जिसमें मैंने ट्रांसट्रक्शन को भी हाँ ट्रांसट्रक्शन को मैंने सेंसेशन uh, के फर्स्ट पार्ट जो था उसमें मैंने इसको डिस्कस किया था तो अगर आप ट्रांसट्रक्शन और न्यूरॉन्स पे भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो बेसिकली जो आ, इनर एयर है इसका काम क्या है कि जो साउंड वेव आ, इंटर हुई मिडल एयर से मिडल एयर ने क्या काम किया साउंड को एम्पलीफाई कर लिया अब जब वो इनर एयर में आ रहा है तो इनर एयर क्या कर रहा है उसको ट्रांसड्यूस कर रहे है। Transduce क्या मतलब कि उसको कन्वर्ट कर रहा है neural impulses में. Neural impulses में कन्वर्ट करने की वजह क्या है कि वो न्यूरल मैसेजेस आपके ब्रेन तक जाती हैं. इसलिए ट्रांसडक्शन होती है पार्ट ऑफ साउंड इज ट्रांसड्यूस्ड इनटू न्यूरल इम्पल्स अब यहाँ पर जो साउंड वेव है जो साउंड आपने सेंस किया है अब वो कन्वर्ट हो रही है वो वाली एनर्जी जो है वो ट्रांसड्यूस हो रही है न्यूरल इम्पल्सिस में और इनर ईयर के कौन कौन से पार्ट है इसमें कोकलिया आता है इसमें शरीर सर्कुलर कैनाल आते हैं और फिर आगे कोकलिया के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे और फिर बेसिलर मेमब्रेन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो जो स्टेरअप था जो मिडिल ईयर का जिसने जहाँ पर वाइब्रेशन आई और फिर वो ओवल uh, विंडो में इंटर uh, हो गई तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिप शेक्स इन नदर एयर ड्रम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवल विंडो इनटू मोशन जो आउटर एयर था उससे साउंड ट्रेवल होते होते आई और फिर वो एयर ड्रम में एयर uh, ड्रम को उसने हिट किया और उसके बाद फिर साउंड जो है वो एम्प्लीफाई हुई मिडल एयर में उसके बाद फिर वो ओवल विंडो तक पहुंची तो ओवल विंडो जो है वो भी एक एयर ड्रम की तरह ही एक स्ट्रक्चर होता है उसका लेकिन वो एक राउंड स्ट्रक्चर एक ओवल टाइप का स्ट्रक्चर इसलिए उसको ओवल विंडो कहते हैं तो स्टेरप है। तो जब शेक होता है तो वो क्या करता है कि ओवल uh, विंडो को ओवल uh, विंडो में जो है वाइब्रेशन शिफ्ट uh, कर देते हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं फिर ओवल विंडो जो है वो भी मोशन में आ जाता है देन द वाइब्रेशन इज नेक्स्ट रिलेटेड टू द इनर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकलिया अब उसके बाद वाइब्रेशन कोकलिया की तरफ जाती है कोकलिया क्या है अ फ्लूड फिल्ड ट्यूब दैट इज कॉल्ड इन टू स्पायरल कोकलिया एक फ्लूड फिल्ड ट्यूब है और एक स्पायरल शेप में जो है ये कॉइल्ड होती है जिस तरह आपने स्नेल देखा हो ना स्नेल का जो शेल होता है जिस तरह राउंड सा शेल होता है स्नेल का बिल्कुल इसी तरह कोकलिया का स्ट्रक्चर होता है और ये मैं पिक्चर दोबारा दिखाऊंगी वीडियो के एंड में कि कोकलिया को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो शेल जिस तरह स्नेल का शेल होता है बिल्कुल कोकलिया का भी इसी तरह स्ट्रक्चर है तो अः इसी तरह जो है ये स्पाइर शेप होता है एज द फ्लूड इन द कोकलिया रिपल्स अब उसके अः कोकलिया में जो फ्लूड है वो रिपल होना शुरू हो जाए यानी कि वहां पर जो वाइब्रेशन हो रही है जो फ्लूड में वाइब्रेशन होती है उसको हम रिपल कहते हैं तो जिस तरह कोकलिया में जो फ्लूड है वो रिपल होना शुरू हो जाए देन द द वाइब्रेशन इन टर्न इज ट्रांसमिटेड टू बेसिलर मैमब्रेन अब नेक्स्ट कौन सी जगह है जहां पर जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है बेसिलर मेमब्रेन बेसिलर मेमब्रेन रन द लेंथ ऑफ कोकलिया बेसिलर मेम्ब्रेन की मैंने दो डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड किया और साथ में यहाँ पर पिक्चर भी इंक्लूड किया तो अगर आप पिक्चर में इसको देखें और आप डेफिनेशन के जरिए भी इसको समझ सकते हैं एक डेफिनेशन है कि द मेमब्रेन विद इन द कोकलिया ऑफ द एयर दैट कॉन्फ द हेयर सेल्स यानी कि कोकलिया में ही जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम बेसिलर मेमब्रेन कहते हैं जिसपे हेयर सेल्स होते हैं दूसरी डेफिनेशन है कि वन ऑफ द मेम्ब्रेन्स दैट सेपरेट्स द टू ट्यूब ऑफ कोकलिया एंड ऑन व्हिच द ऑर्गन ऑफ कोर्टी रेस्ट यानी कि एक मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन में से एक मेम्ब्रेन है जो कि कोकलिया के दो ट्यूब्स को सेपरेट है करती है और इसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टी भी रेस्ट करती है फर्स्ट वाली डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा ईजी है तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन को जो है वही आप कंसिडर कर सकते हैं Now, uh,

टाइनी यानी कि छोटे और प्रोजेक्टिंग फाइबर्स होते हैं यानी कि इनकी बिल्कुल पॉइंटी सी नीडल्स हैं जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इसको हेयर सेल्स कहा गया है हेयर सेल की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए और एक डिटेल्ड uh, सी पिक्चर भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए तो uh, हेयर सेल की डेफिनेशन है कि द हेयर लाइक सेंसरी रिसेप्टर फॉर साउंड फाउंड इन बेसलर मेम्ब्रेन ऑफ द कोकलिया अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने की है कि जो साउंड के लिए सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हेयर सेल्स होते हैं और ये हेयर सेल्स बेसिलर मेम्ब्रेन में मिलते हैं या फाउंड होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो जो कोकलिया का सी ओ सी एच एल ई ए कोकलिया का जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसमें हेयर सेल्स मौजूद होते हैं और हेयर सेल्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो हेयर सेल्स की तरह होते हैं अब ये हेयर सेल्स फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा अगर डैमेज टू सेल्स और ऑडिटरी नर्व कैन रिजल्ट इन नर्व डेफनेस हेयर सेल्स अगर कहीं डैमेज हो जाए ये जो ऑडिटरी नर्व है ये अगर डैमेज हो जाए तो इससे नर्व डेफनेस कॉज होती है द हेयर सेल बैंड एज द बेसलर मेम्रेन रिपल्स जिस तरह साउंड वाइब्रेशन होती है और जिस तरह बेसुलर मेम्रेन वाइब्रेट करना शुरू कर जाती है तो उस वाइब्रेशन हर एक वाइब्रेशन के साथ जो ये है ये हेयर सेल बैंड होना शुरू हो जाती है यानी कि वो मूवमेंट शो करना शुरू, शुरू कर देती है नाउ द वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव न्यूरल इम्पल्स अब यहाँ पर क्या हो रही है यहाँ पर ट्रांसडक्शन हो रही है जो फिजिकल वाइब्रेशन थी साउंड वेव की वो न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट हो रही है जिस तरह सेल मेमब्रेन जिस तरह सेल हेयर सेल है वो होती होती है है? तो क्या होती है? अब पर ट्रांसडक्शन हुई साउंड वेव जो है वो न्यूरल इम्पलस में कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ है कि ये इंफॉर्मेशन थैलेमिस और जो ब्रेन का जो थैलेमिस है ऑडिट्री कॉर्टेक्स है वहां पर पहुंच जाता है जहां पर जो है आपकी ऑडिशन का सारा जो काम है ये सारी जो इंफॉर्मेशन जहां पर प्रोसेस हो रही होती है तो वहां पर ये न्यूरल मैसेज जो है वो पहुंच जाती है तो अब अगर जितना हमने पढ़ा उसको थोड़ा समराइज करें थोड़ा उसको क्लियर करें कि हमने क्या पढ़ा और हर एक स्ट्रक्चर को अगर अलग अलग से डिस्कस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये आउटर एयर है ये वाली साइड दिस इज पिन्ना और उसके बाद फिर ये एयर कैनाल है साउंड आई एंड इट इसल इन टू द एयर कैनाल उसके बाद फिर ये एयर ड्रम दैन ये जो थ्री बोन्स हैं हैमर, एनवल और स्टेरप फिर स्टेरप के जरिए फिर ओवल विंडो और इनर एयर में इंटर हुई उसके बाद फिर ये कोकलिया है जिसमें कहा ये स्नेल की जिस तरह शेल होती है राउंड सी इस तरह कोकलिया का भी इस तरह जो है वो शेप है तो Uh, इधर फिर इसमें बेसलर में होते हैं उसके बाद फिर वो जो मैसेज uh, होते हैं वो हेयर लाइक सेल्स जो होते हैं हेयर सेल्स जिसको हम कहते हैं वो बैंड होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर ट्रांसट्रक्शन होती है और जब ट्रांसट्रक्शन होती है तो फिर क्या होता है कि जो मैसेज है वो आपके ब्रेन तक पहुँच जाते हैं तो अगेन जिस तरह मैंने ब्रेन वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया था लेसन कंप्लीट करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो राइट साइड ऑफ द बॉडी है वो आपके लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है और आपकी जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है वो आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है तो इसी तरह जो आप अपने राइट right ईयर से कोई बात सुनते हो अपने राइट right कान से कोई बात सुनते हो तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है या लेफ्ट हेमस्फेयर जो है वो उसको प्रोसेस करता है और जो राइट right हेमस्फेयर है वो आपके लेफ्ट ईयर को प्रोसेस करता है तो ये थी आज की वीडियो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर नहीं क्लियर हुआ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएंगी इसके अलावा वीडियो के लिंक और चैनल के लिंक को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज शेयरिंग केयरिंग और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़